अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा रेसिपी, जिसके लिए सबसे पहले हम डो प्रिपेयर कर रहे हैं। और डो के लिए मैंने लिए हैं 3 ग्लास मैदा यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लोर, और मैंने एक साइड पे एक पतीली में, छोटी सी पतीली में, आधा ग्लास पानी नीम गर्म, और उसमें एक ईस्ट का पैकेट यानी कि 2 टेबल स्पून ईस्ट डाल के रख दिया था, और पिंच ऑफ सॉल्ट और 1 चम्मच चीनी का डाल के मैंने साइड पे रख दिया था। वो 5 से 10 मिनट में अच्छे से राइज हो गया। फिर वो मैं इसको लिक्विड को इसमें ग्रेजुअली ऐड करके और अपनी अच्छी स्मूथ सी सॉफ्ट डो रेडी कर लूँगी। फिर मैं लिड लगा के रख दूँगी, और ये देखें कम अज़ कम मैंने ये 30 मिनट्स बाद खोला है, तो ये अच्छे से, मेरे पास टाइम कम था, वरना आप थोड़ा टाइम और भी दे सकते हैं, मज़ीद राइज होगी। फिर मेरे पास टाइम शॉर्ट था तो इसलिए मैंने जल्दी खोल लिया था, लेकिन माशाल्लाह से इंस्टेंट राइस हो गई थी डो। अब देख लें, 3 ग्लास मैदा में आराम से 2 लार्ज पिज्ज़ा में रेडी कर रही हूँ। पहले आपने अपनी जो भी जिसके अंदर भी आप बेक करना चाह रहे हैं, बेकिंग ट्रे जो है, आपने उसको हल्के से डस्ट कर लेना है मैदे से, और फिर आपने अपनी डो को रोलर पिन की मदद से बेल लेना है, और उसके किनारों को ज़्यादा बेलना है, और सेंटर से थोड़ा सा थिक रहने दीजिएगा, वरना तो बहुत क्रंच और ना बहुत थिक सी डो हो जाती है, तो थोड़ा सेंटर में से डो थोड़ी सी मोटी रहे तो ही ठीक रहती है। और फिर मैंने इसमें टोमेटो प्यूरी स्प्रेड कर रही हूँ स्पैचुला की मदद से, और मैंने, हाँ, सबसे पहले रोलर पिन से जब मैंने इसको बेल लिया था ना अच्छी तरह, फिर मैंने फोक से इसके ऊपर मार्क्स लगा दिए थे, जिससे ये होता है कि आपका एक तो ये जो टोमेटो प्यूरी है वो अंदर तक चली जाएगी, और जब आप बेक करेंगे ना तो डो आपकी कच्ची नहीं रहती है। उसका मकसद ये होता है, जो हम फोक से फोक जगह जगह इंसर्ट कर रहे होते हैं और होल्स बना देते हैं, वो इस वजह से ताकि एयर पास हो जाए और अंदर तक बेक हो जाए हमारी डो। उसके बाद फिर मैंने चीज़ स्प्रेड कर दिया, इस वजह से कि चीज़ के बाद जो भी मैं चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई करूँगी, इसकी टॉपिंग्स रेडी करूँगी, तो वो निकलेंगी नहीं, चीज़ मेल्ट होगा, वो चीज़ें अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, वो चीज़ें स्टिक हो जाएंगी, तो इसलिए सबसे पहले मैं चीज़ की लेयर लगाती हूँ, देन उसके ऊपर चिकन। चिकन मेरे पास फजीता फ्लेवर था, और मैं ये चिकन पिज्ज़ा जो है ये भी फजीता फ्लेवर का ही बना रही हूँ विदाउट वेजेस। चिकन की बोटियाँ जो थी वो थोड़ी बड़ी थी, तो मैंने हाथों से इसको श्रेड कर लिया था। फिर मैं हल्का सा इसके ऊपर नमक स्प्रेड कर दूंगी उसी के साथ। उसके बाद मैं इसमें मज़ीद चीज़ ऐड कर रही हूँ। पिज़्ज़ा में मज़ा ही तब आता है जब आप उसमें ओवरलोडेड चीज़ ऐड कर दें। फिर मैं इसमें ओरिगैनो स्प्रिंकल कर दूंगी, ओरिगैनो का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है पिज्ज़ा में, और मुझे ये पिज्ज़ा का मेन इंग्रेडिएंट लगता है ओरिगैनो। उसके साथ मैं टॉपिंग में ऑलिव्स ले लूंगी, और ये हमारी टॉपिंग बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको बेकिंग के लिए रख दूंगी ओवन में। ओवन को मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था 15 मिनट्स बिफोर, और 25 डिग्री पे मैंने इसको 250 डिग्री पे मैंने इसको 15 मिनट किया बेक, तो ये बहुत अच्छे से रेडी हो गया था। ये मैं अपने 20 मिनट्स बाद मैंने ओवन खोला है 15 to 20 मिनट्स में, तो ये रेडी था। फिर मैंने ओवन बंद करके और ग्रिलर चला के ऊपर की जो चीज़ थी उसको हल्का सा कलर देने के लिए ग्रिलर पे रखा है 5 मिनट्स के लिए। फिर ये आफ्टर पूरे 30 मिनट्स का ये प्रोसेस था। इस प्रोसीजर के बाद ये इसकी लुक ये आई है, और जो टॉपिंग से इसको हीट मिलती है ना ग्रिलर से, तो उससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है पिज्ज़ा के ऊपर। चीज़ लाइट सी बर्न होती है, तो उसकी एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, और फिर उसका एक टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं कि शानदार लजीज पिज्ज़ा रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आज की पसंद आई होगी। टॉपिंग के लिए मज़ीद मैं इसको टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी है, और अब मैं मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द रेसिपी देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।